उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। यूपी के भाजपा में मिल सकती है जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। जी हां, आपने सही सुना, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया है। इस बात की पुष्टि राज्यपाल सचिव बीके संत ने की है। साथ ही मैं आपको बता दूं, बीते 26 अगस्त को 3 साल का कार्यकाल बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद पर पूरा कर लिया है। 2 दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद इनके इस्तीफे की चर्चा काफी तेज हो गई थी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर क्या बेबी रानी मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि अब आखिरकार कौन उत्तराखंड राज्यपाल के पद को संभालेगा। बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया है। राज्यपाल के रूप में 3 साल बाद बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में मीडिया से बात की। उन्होंने राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं मेहनती, साधन संपन्न और जुझारू हैं। भविष्य में महिलाओं के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। आगरा की बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड में राज्यपाल का कार्यभार पूरे 3 साल संभाला। बेबी रानी मौर्य से पहले मार्गरेट अल्वा गवर्नर राज्यपाल रही थी। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या बेबी रानी मौर्य को महिला या फिर ओबीसी कार्ड मिल सकता है बीजेपी में? क्या बीजेपी में बेबी रानी मौर्य के आने से मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है? क्या वाकई में बेबी रानी मौर्य के बीजेपी में उतरने से क्या कुछ होगा? ये देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में कुछ नई घटनाओं और कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।